सलाम अलैकुम जी, क्या नाम है आपका? आमना। आमना क्या करती है? मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ थोड़ा क्या पढ़ रही है? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पढ़ रही है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं, समझ नहीं आता, मैं यही सोच रही होती यार मैंने क्यों रख लिया ये सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल है जरा ज्यादा। हाँ थोड़ा थ्योरीज बहुत ज्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका आप जवाब देंगे। पहले एक सवाल पूछेंगे फिर एक और सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो दो सवाल पूछेंगे अब आपसे। हाँ दो सवाल, या एग्जैक्टली दो सवाल ही पूछेंगे आपसे। अच्छा पहला सवाल हमारा ये है, लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए और मर्द को किस एज में अंकल कहना चाहिए? जी एक सवाल है या दो सवाल है? ये एक सवाल है, उसके दो पार्ट है, वो था ना सवाल नंबर एक, साथ में और लगा दे। तो आंटी को, उस लड़की को किस एज में आंटी कहना चाहिए? यार डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, जब आपकी एज उससे 10 साल कम हो। नाइस आंसर, मतलब बड़ा आपने एक अच्छा जवाब दिया है कि इसे 10 साल कम हो। और अंकल को, अब ये थोड़ी है कि मतलब मैं 30 की हो गई तो 40 वाली मुझे आंटी बोल रही हो, तो मतलब आपकी एज में से 10 साल कम होनी चाहिए मुझे आंटी बोलने की। वेरी स्मार्ट आंसर। अच्छा मुझे ये बताएं कि लड़की को किस एज में अंकल बोल? नहीं नहीं, लड़के को कभी भी अंकल बोल दो, दे डोंट माइंड। अच्छा कुछ लोग बहुत माइंड करते हैं। हाँ वो कुछ होते हैं ना जिनके अंदर थोड़ी दूर कहीं औरत छुपी होती है, वो लोग माइंड कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने धरना नहीं दिया डी चौक में, बल्कि वापस आ गए जी, क्वेश्चन नंबर 2। तो वापस आ गए अपनी अपनी जगह पर, उनका ये कहना है कि 6 दिन में असेंबली तहलील करो, अगर तहलील नहीं होंगी तो फिर हम दोबारा से जाएंगे मार्च और धरने की तरफ। क्या लगता है कोई डील हुई है और क्या लगता है असेंबली तहलील होगी, दोबारा इलेक्शन होगा? देखिए जहाँ तक है ना गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट तो समझ ही नहीं आती है, ये पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत हो गया यार, मतलब लाइक सीरियसली है ना, मैं इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मुझे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि पाकिस्तान जा किस तरफ रहा है। आम आवाम की बात कर लो, दे डू नॉट हैव द अवेयरनेस, उनको नहीं पता, उनको बस ये पता है कि भाई हमारा क्रिकेटर था, ही वॉन अस यू नो वर्ल्ड कप एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इमरान खान इज़ बैड या वो बुरे थे या पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं थे, उन्होंने काफ़ी कुछ बेहतर किया है हमारा इंटरनेशनल लेवल पर, उन्होंने इमेज पर जो है बहुत काम किया है, ठीक है। पॉजिटिव जो इमेज है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत काम किया है। और लेकिन ये है कि जस्ट बींग लॉयल टू अ पर्टिकुलर नेशन और कंट्री डजेंट मेक यू अ लीडर, फॉर आई थिंक लीडर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं एंड कलेक्टिवली वो सारी क्वालिटीज़ काउंट होती हैं और उसके बाद जाके रियल सेंस में एक लीडर बनता है, ठीक है। जस्ट बींग लॉयल डजेंट मेक हिम अ लीडर, ठीक है। उसके बाद ये है कि मतलब ठीक है वो एक इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आम आवाम का भी सोचना चाहिए यार। अगर हम बात करें तो खैर अभी जो नून लीग की गवर्नमेंट आई है वो भी कुछ खास प्रिविलेजेस तो प्रोवाइड नहीं कर रही है ना, तो मैं थोड़ा ऑफ साइड पे जा रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में तो जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है और जो ये ऑपोजिशन कर रही है या पीटीआई या जो भी है, मुझे ये कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब मैं इतना जो है ना इस चीज़ ने ड्रैग हो गई है ये चीज़ कि अब दिल ही नहीं करता कि बंदा न्यूज़ सुने, क्योंकि यही होता है कि भाई उसने धरना दे दिया, उन्हें उसने उसकी टांग खींच ली, लेग पुलिंग ही चल रही है, दैट्स ऑल। पॉलिटिक्स में और कुछ भी नहीं रहा।